बेसिकली दो चीज़ों में मेरा ये प्रयास रहा है कि जहाँ भी मैं रहा हूँ पुलिस की नौकरी में, कि हम एक महीने में या दो महीने में हमारा जो कामकाज है कहाँ काम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हमारी कोई कमी आ रही है, हम आपको हमारी कमी भी बताएं, जो हम अच्छा काम किए वो भी आपको बताएं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों में जाके देखा तो मेनली तो हमारा जो सबसे जो सरकार की जो प्रायोरिटी रहती है वो महिला अत्याचार की रहती है। तो महिला अत्याचार के मामलों में पहले हमारे 1% की लगभग कमी थी 1 अगस्त को। तो ये 2 महीने के आंकड़े सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के अभी आएंगे, तो 2 महीने में हमारी जो 1% की कमी थी उसको हमने ला करके अब हमारी करीब 12% की महिला अत्याचारों में कमी आई है। इट्स ए गुड साइन। दूसरा था सबसे ज़्यादा आप लोग जो लोगों को जनमानस को उद्दलित करता है चोरी और नकबजनी। तो चोरी में जो पहले लगभग 4.5% की जो वृद्धि थी वो अच्छी बात ये है कि करीब 7.5-8% की उसमें कमी आई है चोरी में। इसी तरह से नकबजनी का एक फोकस रहता है, तो नकबजनी में अभी जो अक्टूबर का जो लास्ट जो 31 अक्टूबर था उसमें करीब 10% की कमी आई, जो पहले 5% यानी डबल इंक्रीज किया नकबजनी। तो चोरी, नकबजनी और महिला अत्याचार, इन चीज़ों में 2 महीने का जो हमने जो फोकस किया मेन जो था SC ST वाला, तो SC में लगभग बराबर था 27% का डिक्लाइन, लेकिन जो ST में जो वृद्धि थी लगभग 1.35 की, वो अब 14% का डिक्लाइन है। हमने जो आंकड़े जो एनालिसिस किए कुछ जिलों में, इन्होंने जैसे मैं देख रहा था कि जुलाई तक में जैसे कुछ लोगों ने डिक्लाइन किया है और कुछ वृद्धि की है, जिलों का नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कईयों के घटे हैं परिवार आना, कईयों के बढ़ गए हैं। तो ये आंकड़े हमारे पास है, लेकिन जिन SHOs के ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है उनको हमने नोटिस, ऐसे करीब 7 SHOs हैं जिनके मतलब हमने उनको अभी तो उनको बेसिकली शोकाज नोटिस जारी किया है कि भाई आपके इतने परिवादी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थाना स्तर पे उनकी गंभीरता से सुनवाई नहीं करते हो। बाकी लोगों के जिनके नहीं आ रहे उनको अप्रिशिएट भी किया है। निवेदन यह है कि यहाँ तक जो परिवादी पहुँचते हैं वो सुनने का उसमें बीट कांस्टेबल का उसमें नहीं है, बेसिकली बीट कांस्टेबल के पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो यहाँ जो परिवादी आते हैं वो मुकदमों के इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, इसके मुकदमे की तफ्तीश सही हो रही है या नहीं हो रही है, और जो मुकदमों की तफ्तीश जो हो रही है बेसिकली बीट कॉन्स्ट PT ऑफेंस वाले नहीं आते हैं, बेसिकली महिला अत्याचार के आते हैं या जमीनी विवाद संबंधी आते हैं, कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है या फिर उनकी मारपीट के मुकदमे में सही धारा नहीं लगी या लग गई तो बॉडी ऑफेंस में इमीडिएट अरेस्ट नहीं हुआ। 307 का मुलजिम है और 3 महीने से परिवादी इधर उधर घूमता फिर रहा है और मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा है, वो आके कहता है कि साहब मुलजिम यहाँ घूम रहा है, और ऐसे कई प्रकरण भी हुए कि जाने के बाद यहाँ से अरेस्ट भी हुए हैं। थाना पुलिस से SHOs तो से यहाँ आते हैं और आप कह रहे हैं कि अपन सुनवाई वहीं करेंगे CO स्तर पे, या तुम उनके साथ में थोड़ी सुन पाएंगे? वो अपनी बात तो बताएगा ना, कार्रवाई करेगा। जब मैं सुन रहा हूँ तो SHO को बताए भाई सामने क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है, तफ्तीश क्यों सही नहीं हुई, उसके पहले ये कोई कारण नहीं, उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाते हैं तो कागज में देखते हैं ना, जो रिपोर्ट आती है उससे कोई जुबानी जुमा खर्च नहीं है उसमें, बेसिकली कागज की आपकी फैक्चुअल रिपोर्ट क्या कहती है और आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है उसको हम लोग दुरुस्त कराने का काम है पुलिस का। हाँ, सुनते हैं जो परिवादी पेश होता है उसके बारे में हमारा स्टाफ ऑफिसर पहले कॉल करता है, उसकी फाइल देखता है, फाइल देखने के बाद फैक्ट पूरे देखता है, उसके बाद में हम उसको सुनते हैं कि उसका कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ। एक तरफा कोई भी नहीं सुनता है, न मैं सुनता हूँ, न जिला सुनता है, न पुलिस हेडक्वार्टर सुनता है। जो भी परिवादी आता है पहले उसका उसकी कंप्लेंट को पहले एग्जामिन किया जाता है, इसकी कंप्लेंट क्या है, इसका परिवाद क्या है, इस पर क्या कार्रवाई होनी थी, रिकॉर्ड में हुई है या नहीं हुई है। तो यू डोंट कॉल, आप ये नहीं कह सकते, एक तरफा नहीं कह सकते। 15 मिनट आते हैं, लेकिन 15 मिनट में पता लग जाता है कि वो कितना सच बोल रहा है और उसकी वास्तव में ग्रीवेंस कितनी जो गंभीर है मामला। ऐसे बहुत से भी आते हैं कि उनके मामले में जो अपेक्षित कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी होती है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते, ऐसे भी
10-20% आते हैं कि जिनको जो कार्रवाई होनी चुकी हो चुकी होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चाहता है कि नहीं साहब मैं तो ये मानता हूँ इसको। हम उनको रिलीफ देते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उनका जो भी कंप्लेंट है या जो उनका मुकदमा, उनकी फाइल मंगा के देखते हैं, फाइल को एग्जामिन करते हैं। और वही नहीं, जबकि कोई गंभीर मामलों के जो NDPS के मामले हैं या डकैती के लूट के मामले हैं, अगर परिवादी नहीं भी आता है, कई मामलों में परिवादी नहीं आता है, तो भी हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, जरूरी नहीं कि परिवादी आए। ये काम हमारा सुपरवाइजरी ऑफिसर का है कि वास्तव में इन्वेस्टिगेशन सही हुआ या नहीं हुआ, और केस दर्ज होने के बाद, केस के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान कोर्ट में पेश करना, और चालान कोर्ट में पेश करने के बाद में वो कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ, और कन्विक्शन नहीं हुआ, बरी हो गया, तो उसमें क्या कारण रहे, क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के कारण बरी हुआ, तो उन चीज़ों को भी हमारा इक्विटल रजिस्टर उसको लास्ट तक भी देखती है पुलिस इस चीज़ को। ऐसे क्या प्रयास हुए सर कि जो 7-8% विमेन ऑफेंसेस जो है वो कम हुए? इसका नया मैकेनिज्म अडॉप्ट हुआ रेंज जब? इसका कमी होने का एक कारण तो यही है कि एक तो स्पीड ही आपका जो ITSS हो हमारा, जो भी जिस केस के अंदर हम जो MH के गाइडलाइंस है कि महिला अत्याचार और पोक्सो के जो रेप के मामले, उसमें मैंडेटरी है कि 60 दिन में उसका चालान पेश हो जाना चाहिए। अगर आपने 60 दिन में चालान पेश कर दिया तो आपको 100 नंबर है, और 60 दिन में आपने चालान का मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी कर दिया, आपका उस पर चढ़ जाना चाहिए आए। तो 60 दिन में चालान पेश हो गया, और चालान पेश होने के बाद में वो 100% उसके नंबर मिलते हैं कि चालान पेश हो गया। तो सबसे बड़ा जो पिछड़ा हुआ जो कारण था, वो हमारी पहले ITSS का स्कोर रेंज जो हमारी 12वें नंबर पे थी, नीचे से 12वें नंबर से आते आते हम इसको करीब 7वें-8वें नंबर पे लेके आए। उसका एक ही काम किया है कि जो अननेसेसरी जो केसेज पेंडिंग है महिला अत्याचार के, रेप के, पोक्सो के, कोशिश करी है कि 100% 2 महीने में उनमें चालान पेश हो जाए। फाइल को लेके उसका तरीका ये है कि 30 दिन के बाद में CO देखता है, और 30 दिन से ज़्यादा जो भी केस अगर पेंडिंग होता है तो उसको SP साहब देखते हैं। 45 दिन के बाद फाइल में मंगा के देखता हूँ कि इसमें चालान क्यों नहीं पेश हो रहा। FR का मामला आता हो FR दीजिए, लेकिन जो चालान लाइक केस है उसको आप 45 डेज में डिसाइड करिए कि इसमें चालान पेश करना है। 45 डेज मैंडेटरी है कि वो आपके मेरे पास आएगी 45 डेज में, अगर चालान पेश नहीं होगा तो आई विल चेक, और मैं कोशिश करता हूँ कि 60 दिन में चालान पेश हो जाए। अगर मामला FR का तो अदर मैटर है, उसका भी डिस्पोज होना चाहिए।